नासा नदी में कल शाम को 5 बजे लक्ष्मणपुर के लोग माता विसर्जन के लिए गए थे और उसमें 3 लड़के डूबने लगे। गांव के लोग ने 2 बच्चों को बचाने में कामयाब रहे। यह लड़का डूब गया, बहुत वो लोग खोजे, मिले नहीं। रात में बहुत रात तक परेशान रहे लोग, सुबह से फिर लोग परेशान रहे। मैं 11 बजे पहुंचा वहां पर। पहुंचने के बाद मैं अधिकारी को फ़ोन किया तो पुलिस के लोग कहने लगे कि रात में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने कहा रात में मेहनत की है तो क्यों सुबह छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं। फिर मैंने SDM को फ़ोन लगाया। SDM साहब को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको तो इस संज्ञाने मामला नहीं है। बहुत देर ढूंढने के बाद जब गोताखोर नहीं आए तो हम गांव वालों को लेकर नदी में खुद कूदे और 3.5 घंटा की मेहनत के बाद लड़का मिला। मिलने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। अभी भी हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं। अभी 9 बज रहा है, 3:30-4 बजे के लगभग हम लोग आए हैं। लेकिन कोई भी सरकारी, चाहे अधिकारी हों या MP हों, चाहे MLA हों, किसी का कोई पता नहीं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको उतरना पड़ गया? गोताखोर होते हैं, NDRF की टीम होती है, 2 गर्ल्स की लाश है डूबी हुई, आज आपको खुद निकालना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? पता नहीं ऐसी क्या। यह सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है, जात के नाम की राजनीति हो रही है और इसी की वजह से सरकारी अमला कोई सामने नहीं आया। परिवार में जो भाई था, उनका लड़का था और मैं वहाँ पितृ अथवा मूर्ति भवाने के लिए गया था और वह और लोग बवाए और उसके बाद जो है 2 लोग 3 लोग डूब रहे थे। 2 लोग को छान कर निकाल दिया गया और एक डूब गया। वहाँ पर हम लोग 9 बजे रात तक बरसान हुए, कोई नहीं पता चला और पुलिस प्रशासन ने गए, फिर लोग पता नहीं था, बिहाने पता नहीं भी लगा। हम लोग 12 बजे तक घूमते रहे। उसके बाद विधायक जी ने आकर के 3-4 घंटे तक अतन की नदी में अतन घूम कर लाश की खोजवाई की। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद? जिला प्रशासन के लिए से कोई से मदद नहीं हम लोगों को नहीं मिली।